चलो तो आज एक काम करते हैं लास्ट क्लास लॉट ऑफ़ प्रैक्टिस राइट ऑन पेमेंट स्ट्रीम्स सो आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक से चालू करते हैं ठीक है तो ये टॉपिक का नाम है एनविटीज ठीक है नाउ व्हाट इज एनविटी एनविटी इज द रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट ठीक है रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है जैसे मान लो ये जीरो है ये वन है ये टू है डॉट 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 ये ट्वेंटी है ठीक है मान लो मेरे को ये लगता है कि मेरे को 20 साल और पैसा कमाना है एंड आई वांट टू रिटायर विद करोड़ मेरा 10 करोड़ से हो जाएगा तो अब मैं बैंक के पास में जाऊंगा मैं उसको बोलूंगा भैया आप मेरे को ये बताइए कि मेरे को हर महीना या फिर हर क्वार्टर या फिर हर आधा साल या फिर हर साल कितना डिपॉजिट करना है ताकि 20 साल के बाद में मेरा बैंक में 10 करोड़ रुपया हो जाए सो so दिस 20 दिस 10 करोड़ इज दूमुलेटेड वैल्यू ऑफ दिटी ठीक है मैं उसको बोला कि हर साल मैं कितना जमा कराऊं या फिर हर महीना मैं कितना जमा कराऊं ताकि 20 साल के बाद में मेरे को 10 करोड़ रुपया मिले ठीक है ये एक हो गया अक्यूमुलेटेड वैल्यू दूसरा क्या होता है अब जैसे मान लो आई एम ऑफ एज सिक्सटी फाइव ठीक सिक्सटी फाइव वाला आदमी क्या बोलेगा बैंक के पास जाके मैं आपको दो करोड़ रुपए दूंगा आप मेरे को आने वाला बीस साल आप मेरे को आने वाला बीस साल हर महीना कितना देंगे बताइए और वो जो मेरे को पैसा देगा फिर उससे मैं अपना जीवन पूरा व्यतीत कर सकता हूं राइट सो so, दो टाइप अब कोई भी चीज का प्लानिंग जो होता है वो ऐसे ही होता है अब जैसे मान लो अब जैसे मान लो प्लानिंग और क्या चीज का हो सकता है मान लो मेरे को यह सोचना है कि सर डाउट है कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन पेमेंट स्ट्रीम अगेन विथ एन एग्जाम्पल आई डू इट वंस वी एंड द क्लास एंड आई सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन ठीक है आज ही सॉल्व कराऊंगा बट थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद देखो तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है फ्यूचर में जो भी मेरे को स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स फ्यूचर में जो भी मेरे को स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स मिलेंगे उन सबका आज का वैल्यू सो so आज मैंने बैंक में जाके दो करोड़ रुपया दे दिया मैंने उनको यह बोला कि आप मेरे को यह बताओ कि आप मेरे को हर महीना कितना रुपया देंगे या फिर हर महीना मैं कितना रुपया जमा कराऊं ताकि मेरे को फ्यूचर में इतना मिलेगा ठीक है अब मान लो मेरे को ये है कि मैं जब थर्टी टू का हो जाऊंगा तब मेरे को एमबीए करने जाना है उसका फीस है दो करोड़ ठीक है सो दो करोड़ रुपए मेरे को पाँच साल के बाद में चाहिए अब मैं बैंक के पास में जाऊंगा मैं उसको बोलूंगा बताइए हर महीना कितना जमा कराएं ताकि पांच साल के बाद में मेरे पास में दो करोड़ रुपए रहे और उससे फिर हम एमबीए करने जाएं ठीक है मान लो मेरे कोई एक जिसका शादी हो गया है अब वो उसका बच्चा भी हो गया है अब वो ये सोच रहे कि इसका शादी में इतना में को खर्चा करना है ठीक है तो वो अभी से प्लानिंग चालू कर देगा ठीक है तो वो बोलेगा हर मैं कितना जमा ताकि मेरे को तो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है आप अपना कैश फ्लो को मैनेज करते हो ठीक है कैश फ्लो को मैनेज करना बहुत जरूरी नहीं तो जब बड़ा बड़ा खर्चा आता है तो उस समय बहुत प्रॉब्लम होता है और अगर आप प्रॉपरली सेस को मैनेज नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप 10 साल 15 साल भी फाइनेंशियली बैकवर्ड हो जाओ फिनेंशियली बैकवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत मेहनत करके कुछ पैसा बनाया राइट right? आपने उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया आपने उसको सही तरीके से यूज नहीं किया एंड अल्टीमेटली आप देखोगे आप इन टोटल जीरो पे ही खड़े हो ठीक है सो प्रैक्टिकल थिंग इज दैट वेन यू स्टार्ट अर्निंग यू शुड हैव फ्यू म्यूचुअल फंड्स का मिल आप अपना वैसे ही करोगे. वैसे करने का मतलब है जहां आपका रेंट लगना चाहिए था तेरह हजार आप वहां अपना रेंट लगाओगे अट्ठारह हजार ठीक है जहां आपको फूडिंग में इन्वेस्ट फूडिंग में खर्चा करना था मान लो पंद्रह हजार आप वहीं पर फैंसी रेस्टोरेंट में जाके इसको कर दोगे 25,000, ठीक है आप दारू पीने लग जाओगे ठीक है तो उसका अलग से खर्चा जुड़ जाएगा उसमें अल्टीमेटली देखोगे पचपन रुपया है फिफ्टी फाइव थाउजेंड हाँ पीछे से हाँ ठीक है फिफ्टी फाइव थाउजेंड जो है फिफ्टी फाइव थाउजेंड को सर तो फिफ्टी टी इंटू डेल्टा इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा इज योर आई इंफिनिटी या जब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होता है तो उसको डेल्टा बोलते यस यस yes. yes, बोल सकते उसको रश्मिता सो so, फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज आपका सैलरी था अल्टीमेटली हुआ क्या आपका पूरा खर्चा हो गया आपको थोड़ा बहुत पैसा और देखेगा आप क्या करेंगे ई एम आई पे आईफोन ले लेंगे ठीक है सैलरी है पचपन हजार फोन यूज कर रहा है, एक लाख पचपन हजार ठीक है बैंक अकाउंट का बैलेंस है पचपन रुपया तो वो अगर प्रॉपरली आप लोग मैनेज नहीं करेंगे तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है तो इसीलिए सेविंग्स प्रोडक्ट्स है आज जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या आप हर महीना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो आपको पंद्रह साल बाद बीस साल बाद जैसे मेरा नियम है मैं मेरा और मेरी मदर के अकाउंट में हर अप्रैल लास्ट अप्रिल साल से मैंने चालू के दा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर डेढ़ लाख रुपया मेरे को अप्रैल महीना में पीपीएफ में, पी -पी में डालना ही है इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री ठीक है सेवन पॉइंट वन शायद इंटरेस्ट मिलता है उसमें सो तीन लाख रुपया मैं मेरा डेढ़ लाख क्योंकि उसमें लिमिट है डेढ़ लाख से ज्यादा आप उसमें डाल नहीं सकते हो और वो पैसा मिलेगा मेरे को पंद्रह साल बाद ठीक है सोच कितना हो जाएगा तो पंद्रह पंद्रह साल बाद मेरे को वो मिलेगा ठीक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है अगर कोई भी फंड का नीड होता है तो सबसे पहले इंसान अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ता तो है बट वेयर देर इज अ लॉक इन इट सीन दैट द इन्वेस्टमेंट रिटर्न बेटर बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको बेटर कंपाउंडिंग समझ में आएगा राधर देन शॉर्ट टर्म ठीक है ना तो इसीलिए मैं डेढ़ डेढ़ लाख रुपए डालता हूं पीपीएफ में ठीक है तो बेसिकली एनविटी क्या है एनविटी एक तरीका है जैसे एक एक जो बुकिस डेफिनेशन क्या हो गया एनविटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट जो हर महीना हर क्वार्टर हर साल लेवल एनविटी आज हम लोग पढ़ेंगे तो लेवल एनविटी का मतलब क्या है जो अमाउंट रहेगा एनविटी का वो सेम रहेगा इट्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स बट क्यों होता है एनविटी ये हम लोग को समझना पड़ेगा लाइक like, एक पर्सनल एग्जाम्पल मेरे भैया का शादी था उसके ठीक तीन साल पहले हमने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला हजार रुपए महीने का ही खोला ठीक है तीन साल में हमको लगभग लगभग थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड हमको जब मिला तो हमको फोर्टी थ्री फोर्टी फोर थाउजेंड के आसपास मिला सो so बेसिकली वो एक संग जब वो पैसा मिला तो उसको हमने कहीं पर यूज कर पाया वरना हजार रुपया कुछ भी नहीं आज के दिन पे हजार रुपया हाथ खर्चा में ही खत्म हो जाएगा राइट सो बेसिकली यही मैं समझाना चाहता हूं कि एनविटी कैप जैसे मान लो आपको कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है आपको फ्रिज लेना है तो फ्रिज आज के दिन पे सत्तर हजार अस्सी हजार पचास हजार चालीस हजार सो so, उसको आप अपने कार्ड के थ्रू बजाज फाइनेंस के थ्रू आप उसको ई एम में कन्वर्ट कर सकते हो सो बेसिकली पचास हजार का फ्रिज अगर आपका सैलरी पचास हजार रुपया है तो आप कैसे ले सकते हो आप उसको फिर ई में आपको लेना पड़ेगा राइट उसमें नियम क्या होता है आपको ट्वेंटी डाउन पेमेंट करना है ट्वेंटी टू थर्टी आपको डाउन पेमेंट करना है तो पचास के फ्रिज का ब्रेकअप क्या हो गया पंद्रह आपको डाउन पेमेंट करना है बाकी थर्टी आप चाहो तो आप आठ बार में दे सकते हो छह बार में दे सकते हो दस बार में दे सकते हो मैक्स वो लोग एक साल तक का देते हैं ठीक है ना सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन डू इट थ्रू ई एम आई क्या हो गया आप एक घर खरीदते हो ठीक है आप एक घर खरीदते हो जैसे ये प्रॉपर्टी हमने लिया दो करोड़ में तो एक बार में दो करोड़ रुपए तो मेरे पास है नहीं तो मैं कैसे करूंगा उसको मैंने बैंक से लोन लिया मैंने एक करोड़ का लोन लिया एक करोड़ मैंने अपने पास सेविंग से पूरा फैमिली इनकम हम लोग सब अपना लगा दिए राइट सो so, एक करोड़ का मेरा महीने का ई बनता था एक लाख फिर मेरा फीस आता था मैं प्री कर देता था प्री पेमेंट कर देता था बिकॉज हमने क्लॉज में वैसा ही डलवाया था कि प्री पेमेंट करने में पे कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए राइट एंड वी क्लोज द लोन इन जस्ट टू ईयर सो ये जो एंडमिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसके पीछे का लॉजिक है कि कैश फ्लो को कैसे हम लोग को स्टेबिलाईज करना है महना महीना देना राइट right? तुम लोग घर में चीज सुना होगा एक बार में नहीं दे पाएंगे महना महीना दे देंगे तोड़ तोड़ के दे देंगे सो बेसिकली एडमिटी अब दो टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा एक आएगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने और एक आएगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालने मैंने तो बोला ही। कुछ भी कर लो हमेशा दो ही टाइप का चीज आपके में आएगा एक ये जो सीरीज है इसको फ्यूचर में लेके जाना कंपाउंडिंग और एक ये जो सीरीज है इसको टान के प्रेजेंट में लेके आना दिस इज डिस्काउंटिंग सो दो ही टाइप का चीज आपसे पूरे एग्जाम में पूछेगा ठीक है सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है अब देखो अब जैसे लेट स्टार्ट अभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखेंगे ठीक है so, सो मान लो पहले एक देखो उसके बाद बाकी करना जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट एन ठीक है यहां पर भी एक रुपया मिल रहा है यहां पर भी एक रुपया, यहां पर भी एक रुपया, यहां पर भी एक रुपया और यहां पर भी एक रुपया साल के शुरुआत पे मिल रहा है ना साल के एंड पे मिल रहा है साल के एंड पे मिल रहा है राइट साल के एंड पे मिल रहा है हर साल के एंड पे एक रुपया मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई परसेंट एन ईयर दिख रहा है आपको एन ईयर का पेमेंट है एंड इट इज इस लेवल इसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं ध्यान देना एक ही बार बोलूंगा बार बार नहीं बोलूंगा ध्यान देना जो ध्यान नहीं देगा वो फिर मैं नहीं कराऊंगा उसको ये जो यहां पर जो एक रुपया है इसका वैल्यू मेरे को जीरो पे निकालना है इसका वैल्यू मेरे को जीरो पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा वन इंटू वी एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर फिर प्लस अब ये जो टू पे जो एक रुपया इसको जीरो पे लाना है सो वन इंटू वी स्क्वायर दो साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर फिर प्लस वन इंटू वी क्यूब तीन साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस वन इंटू वी टू दी एन ये कितने साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया एन ईयरस का ये क्या बन गया मेरा ये मेरा क्या बन गया वी प्लस वी स्क्स वी क्यू प्लस डॉट 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 प्लस वी टू दावर एन ठीक है ना दिस इज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको इसमें मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो है वी मेरा जो कॉमन रेशियो है वो है वी एंड नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें एन सो ए ए इज फर्स्ट टर्म वन माइनस आर वॉट इज आर टू पावर एन बाय वन माइनस आर अब ये वाला जो वी है इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ले जाएंगे माइनस वी बाई वी सो दिस इज वन माइनस वी टू पावर एन होल डिवाइड बाई वन बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर वन ईयर इज वॉट अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर वन ईयर सो वन प्लस आई माइनस वी बाई वी इज वन सो दिस इज वन माइनस वी टू दर एन बाय आई दिस इज दी फॉर्मुला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन आरियर्स आरियर्स का मतलब क्या होता है एंड ऑफ द ईयर सो मैंने यहां पर क्या निकाला एकदम ध्यान से सुनना मैंने तुम लोग को विश्वास होगा कि नहीं होगा पिछला दस साल में मैंने इतना स्लो नहीं पढ़ा जितना मैं आपकी बार पढ़ा रहा हूं क्यों क्योंकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए आई नो यू ऑल आर कोविड बैच मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है दिस इज वेरी बेसिक ठीक है तुम लोग को बस ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर तुम लोग ध्यान से नहीं सुनेगा दिमाग में दस रगमबर चीज लेके क्लास में आएगा तो ये कोर्स नहीं हो पाएगा दिमाग एकदम खुला रखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा तुम लोग को ठीक है ना रटने का इसमें कुछ भी नहीं है सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन आरियर्स फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंट ठीक है दिस इज द क्वेश्चन और इसका एक नोटेशन होता है नोटेशन जो है यहां पर देख लेना दिस इज स्मॉल ए नीचे में एन और ऐसे एक रैबिट का हच ठीक है ऐसे लिखते ए एन ए एन मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन आरियर्स फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंट ऑनलाइन में सबको ये समझ में आया येस और नो आज क्लास के एंड में ऑनलाइन से रिक्वेस्ट आया है सो हम लोग दो से तीन क्वेश्चन जो लंच के बाद का जो क्लास होगा ना उसमें वील डू सम प्रैक्टिस ऑन पेमेंट स्ट्रीम अगेन तो हम लोग का वो वाला और स्ट्रांग हो जाएगा ठीक है ना ठीक है यहां तक सबको क्लियर है ये वाला देख लीजिए सब लोग ये वाला सब लोग देख लीजिए एन इज बेसिकली नोटेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन फॉर एनर्स एट द रेट आई परसेंट अगर ये समझ में आया है तो इससे रिलेटेड करेंगे टानना तो. और आगे लेके जाना टानना और आगे लेके जाना पीछे लेके आएंगे तो वी वी स्क्वायर आगे लेके जाएंगे तो वन प्लस आई वन प्लस आई का स्क्वायर एकदम सिंपल चीज चल रहा है ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको जीपी का फॉर्मूला क्या होता है ए वन माइनस आर टू दी पार एन बाय वन माइनस आर इफ आर इज लेस देन देन वन वन यही अगर आर ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा ए आर टू पार एन माइनस वन बाय आर माइनस वन और एक होता है इनफाइनाइट जीपी जो होता है ए बाय वन माइनस आर वेन आर लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन ये वाला सबका हो गया हा सबका कॉपी हुआ ये वाला बोलो हाँ कि ना ठीक है आगे बढ़े ठीक है अब देखो यही चीज है ना अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं अब ध्यान देना अब दोबारा से हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू वन टू थ्री फोर डॉट 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 एन यहां पर वन यहां पर वन यहां पर वन यहां पर वन और यहां पर भी वन ठीक है सो so, अच्छा एक मिनट सॉरी सॉरी अब यहां पर आएगा आपका यहां पर आपका आएगा एन माइनस वन सो बेसिकली आप क्या हो रहा है एन ईयर्स का पेमेंट है बट जितना भी सारा पेमेंट हो रहा है वो एडवांस में हो रहा है एडवांस में होने का मतलब क्या है सब कराएंगे आजा चांद, वरी, ठीक है तो यहां पर यहां पर क्या हो रहा है पहले देखो हमने क्या किया ध्यान से देखो पहले हमने क्या किया पहले हमने क्या किया हर साल के एंड पे पेमेंट हो रहा था हर साल के एंड पे पेमेंट हो रहा था अभी क्या हो रहा है हर साल के स्टार्ट में पेमेंट हो रहा है क्या हो रहा है अभी हर साल के स्टार्ट में पेमेंट हो रहा है सो दिस इज वॉट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन एडवांस पेड इन एडवांस फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंट इसका अभी हम लोग को निकालना है इसका भी हम लोग को निकालना है सो so, यहां पर जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे नोटेशन देखो वही सेम है ए एन ऊपर में दो चंद्र बिंदु आ जाएगा ठीक है ए डू एन बोलते हैं इसको हम लोग ए ड्यू एन बोलते हैं ए ड्यू एन का मतलब क्या होता है एनविटी पेड इन एडवांस एनविटी पेड इन आरियर और एनविटी पेड इन एडवांस इज वॉट ए ड्यू ए डू मतलब पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ठीक है ना सो ए ड्यू एन इज वॉट पहला टाइम पे पेमेंट हो रहा है तो टाइम जीरो पे जो एक रुपए का पेमेंट हो रहा है उसका वैल्यू एट टाइम जीरो ना आज का एक रुपए का वैल्यू आज कितना होगा एक रुपया प्लस क्या होगा बताइए वी प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा v टू दी पावर n माइनस वन क्योंकि टाइम n पे तो कोई पेमेंट नहीं हो रहा है टाइम n इज वॉट एन एथियर का एंड टाइम एन माइनस वन इज वॉट एन एयर का बिगिनिंग एंड एन माइनस वन एथर का एंड समझा वॉट इज टाइम थ्री टाइम थ्री थर्ड ईयर का एंड एंड फोर्थ ईयर का बिगिनिंग वॉट इज टाइम फोर फोर्थ ईयर का एंड एंड फिफ्थ ईयर का बिगनिंग ठीक है ना सो एन माइनस वन का मतलब क्या है एन एथर का बिगिनिंग पे पेमेंट हो रहा है जीरो का मतलब क्या है फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग वन का मतलब क्या है सेकेंड का बिगनिंग एंड सो ऑन ठीक है ना अब इसको सॉल्व करिए सो ए ए ध्यान देना वन माइनस आर एक मिनट रुको अब यहां पर देखो क्या हो रहा है तुमको वी के पावर में एन माइनस वन दिख रहा है बट इसमें टर्म्स कितने हैं एन एन टर्म्स कैसे हैं पहला वाला में क्या है वी टू पावर जीरो है पहले वाले में क्या है वी टू दी पावर जीरो एनीथिंग टू दी पावर जीरो इज वॉट वन तो जब जीरो से एन माइनस वन होगा तो एन टर्म्स जब वन से एन होगा तो एन टर्म्स तो जीरो से एन माइनस वन मतलब पावर में क्या आ जाएगा एन होल डिवाइड बाय वन माइनस वी एंड हम लोग पहले ही देख चुके हैं दैट वन माइनस वी इज वॉट वन माइनस वी इज वॉट डी एक्सीलेंट क्योंकि वन माइनस डी इज वॉट वी सो वन माइनस वी टू दावर एन बाय डी कभी भी कोई भी चीज अगर हम लोग एडवांस में करेंगे तो डिनोमिनेटर में डी आएगा और कभी भी कोई भी चीज अगर हम लोग अरियर्स में करेंगे तो डिनोमिनेटर में आई आएगा एनविटी वो है जो रेगुलर सीरीज पे मिल रही है जो एक एक, एक एक जो देख रहे हैं ये एनविटी है अब ये एनविटी जो सीरीज ऑफ पेमेंट है इसका या तो प्रेजेंट वैल्यू या फिर इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है चलिए ये वाला हुआ अब आगे बढ़ते हैं अब वापस से अरियर वाला केस लेंगे बट अब अक्यूमुलेटेड वैल्यू हम लोग निकालेंगे ठीक है सो दिस इज वॉट अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एनविटी ऑफ रूपी वन फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंट अब ध्यान देना अब एकदम अच्छे से ध्यान देना अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालने का मतलब है मेरे को यहां पर निकालना है सारा वैल्यू मेरे को सारा वैल्यू यहां पर निकालना है तो यहां से यहां जब मैं लेके जाऊंगा तो कितना साल अक्यूमुलेट हो रहा है एन माइनस वन क्योंकि जीरो से एन तुम्हारा है एन ईयर्स तो वन से एन कितना हो जाएगा एन माइनस वन बेसिकली फर्स्ट ईयर का एंड मतलब फर्स्ट ईयर हो गया टोटल एन ईयर्स में एक साल बीत गया तो कितना साल बाकी है एन माइनस वन सो एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन प्लस टू से एन पे लेके जाएंगे सो वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस डॉट 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 प्लस यहां पर होगा तुम्हारा एन माइनस वन सो यहां पर आ जाएगा वन प्लस आई और फिर एन पे जो एक रुपया हो रहा है उसका वैल्यू एन पे कितना होगा एक रुपया अब इसको पूरा को उल्टा कर देंगे और इसका नोटेशन देख लो ये कैपिटल एस और नीचे में वैसे एन ठीक है उल्टा करने से क्या आएगा वन प्लस वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस वन प्लस आई का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस वन प्लस आई टू पावर एन माइनस वन अगेन ये हम लोग क्या करेंगे यहां पर जीपी सीरीज लगाएंगे बट यहां पर फॉर्मूला क्या होगा ए आर आर है वन प्लस आई आर टू पावर एन क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर एन है अगेन देखो वन का मतलब क्या है वन प्लस आई टू पावर जीरो

आई ये हम लोग ने निकाला अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एंडविटी ऑफ पेड फॉर एन इस एनविटी के बाद में एक चीज आएगा पेड इन अरियर्स ए आर आर ई ए आर एस पेड इन आरियर्स बोल भाई ठीक है बोलो हाँ कि ना कॉपी कर लिया आगे बढ़े हाँ इसके बाद बोलो एक और बनाते हैं अब इसका मतलब क्या है दिस इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एनविटी पेड इन एडवांस फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंट सो कैसे होगा ध्यान देना सो दिस विल बी एस डी एन सो दिस इज वन अब देखो अब यहां से पूरा यहां जा रहा है तो कैसे आएगा बताइए वन प्लस आई टू दावर एन प्लस वन प्लस आई टू पावर प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा वन प्लस आई क्योंकि ये वाला पेमेंट यहां जाएगा और टाइम एंड पे तो कोई पेमेंट नहीं हो रहा है अब इसको उल्टा करिए तो क्या आएगा वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस वन प्लस आई का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस वन प्लस आई टू दावर एन सो ए ए आर टू दावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन सो अभी इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ले जाओ सो वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन बाय आई बाय वन प्लस आई एंड आई बाई वन प्लस आई इज़ वॉट डी ये लग कराया है ना आई बाई वन प्लस आई इज़ डी ठीक है सो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा एनविटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट विच इज पेड एट फिक्स टाइम इंटरवल्स वो जो इंटरवल है वो पर मंथ भी हो सकता है पर क्वार्टर पर हाफ ईयर पर ईयर भी हो सकता है राइट right? एनविटी का हम लोग को दो टाइप का चीज निकालने बोल सकता है एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी और एक होता है वैल्यू अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लेवल लेवल एनविटी का मतलब क्या होता है जो भी सारा पेमेंट रहेगा जो भी सारे किस्त या फिर इंस्टॉलमेंट रहेंगे वो सब सेम रहेंगे ठीक है उसके बाद में हमने एक एक करके देखा सो वी डिड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन अरियर फॉर एन सो अरियर का मतलब क्या होता है एंड ऑफ द ईयर सो so, टाइम से लेके टाइम एन के एंड पे एक एक रुपए का पेमेंट हो रहा है उन सब का वैल्यू मेरे को कहां पर निकालना है जीरो पे सो वी वी स्क्वायर वी क्यूब डॉट 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 वी टू दावर एन सो उसके बाद में मैंने यहां पर जीपी का फॉर्मूला लगाया ए वन माइनस आर टू दावर एन बाई वन माइनस आर सो दिस इज वॉट ए एन ठीक है एंड हम लोग का फाइनल आंसर क्या है वन माइनस वी टू दी पावर एन बाय आई अर इ मतलब क्या होता है जब पेमेंट मेरा एंड ऑफ द ईयर पे होगा उसके बाद में मैंने क्या किया सेम चीज किया बट अब पेमेंट कहां पर हो रहा है स्टार्ट ऑफ द ईयर पे हो रहा है सो so पहला पेमेंट कब होगा टाइम जीरो पे होगा और एंड पे पेमेंट नहीं होगा बिकॉज जीरो जो आया वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर डॉट 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 वी टू दावर एंड माइनस वन अब मैं क्या कर रहा हूं इसका जीपी में फॉर्मुला लगाऊंगा तो ए वन माइनस आर टू दावर एन बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स क्या है एंड नंबर ऑफ टर्म्स राइट By वन माइनस आर तो अपना वाला फॉर्मूला आ गया उसके बाद में हमने किया अक्यूमलेटेडेड वैल्यू पेड इन क्या आया था पहला पेमेंट होगा टाइम वन पेमेंट टाइम से एन पे अगर अक्यूमुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ वन से एन पे अगर करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन बिकॉज माइनस वन ईयर फिर वन प्लस एन माइनस टू एन सो ऑन लास्ट वाला

So, so, सो कर देंगे आर टू पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एंड आई 1 वन प्लस आई इज डी हमने इसमें क्या देखा कि जब भी एडवांस होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है डी कभी भी आरियर होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आई ठीक है ना ओके okay. एक बार एक जगह पे हम लोग सारा फॉर्मला को लिख लेंगे अब हम लोग इसके बाद में पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ठीक है अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के लिए समझ दे रहा हूं वो आप लोग करेंगे आइए ठीक है सॉल्व करिए इसको टेक योर टाइम उल्टा नहीं कर रहे बेटा उल्टा करने से ही तो फॉर्म में आएगा ना नहीं तो फॉर्म में नहीं आएगा ओके वॉइस आ रहा है सबको चलो बोलिए ए फाइव एट द रेट एट परसेंट सो दिस इज वन माइनस वन पॉइंट जीरो एट टू दी पार माइनस फाइव बाय जीरो पॉइंट जीरो एट ठीक है ना फिर ए डी यू नाइन एट द रेट नाइन परसेंट सो दिस इज वन माइनस वन पॉइंट जीरो नाइन टू दर माइनस नाइन बाय जीरो पॉइंट जीरो नाइन बाय वन पॉइंट जीरो नाइन एस टेन एट द रेट पॉइंट फाइव ना सो वन पॉइंट डबल जीरो फाइव टू दर टेन माइनस वन बाय जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव एस डियू ट्वेल्व सो वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दावर ट्वेल्व माइनस वन बाय जीरो जीरो सिक्स बाय पॉइंट जीरो सिक्स ए ट्वेंटी एट द रेट फोर परसेंट इज वॉट वन माइनस वन पॉइंट जीरो फोर टू दावर माइनस ट्वेंटी बाय जीरो पॉइंट जीरो फोर फिर ये वन पॉइंट जीरो टू फाइव टू दी पावर फाइव अब आंसर बताओ एक एक करके थ्री पॉइंट नाइन नाइन टू सेवन ठीक है ये वाला दूसरा वाला सिक्स पॉइंट फाइव थ्री फोर फिर तीसरा वाला फिर कितना ये वाला थर्टीन पॉइंट और ये फाइव पॉइंट ठीक है यहां तक हुआ बेसिक अपना हो गया राइट ठीक है आगे बढ़िए अब हेडिंग लगाइएगा अब जैसे क्या है अब हम लोग करेंगे ये मान लो जैसे जीरो से एन है अब यहां पर कंटिन्यूस पेमेंट हो रहा है सो मेरा जो ए है वो है जीरो जो बी है वो है एन रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी है मेरा वन एंड डेल्टा टी जो है वो है मेरा डेल्टा पारणम समझ गया मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू इसका कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन जीरो से एन वन इंटू एक्सपोनशियल माइनस अपने को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम जीरो सो टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको जीरो पे लाएंगे डेल्टा डी एस होल इन टू यही तो था आप सॉल्व करिए इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी डी टी विच इज ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा जीरो से एन सो दिस इज ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन माइनस वन बाय माइनस डेल्टा सो दिस इज वन माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा सो दिस इज वन माइनस वी टू दावर एन बाय डेल्टा और इसका जो नोटेशन होगा वो होगा ए एन और ऊपर में ऐसे बार आ जाएगा दिस बार सिग्निफाइज कंटिन्यूस पेमेंट्स दिस बार सिग्निफाइज कंटिन्यूस पेमेंट्स ठीक है दिस इज लेवल एंडमिटी पेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम एन लिख दे रहा हूं मैं प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम एन पंकज जी बताइए इसमें क्या डाउट हुआ आपको पंकज जी दोबारा से भी मैंने समझाया ये वाला यस यू कैन स्विच ऑन योर माइक पंकज जी एक मिनट एक मिनट हाँ दोबारा बोलिए एक बार जीरो से एन का मतलब है कि कहां से कहां तक पेमेंट हो रहा है हां ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग ये बोलेंगे कि टाइम टी पर जो पेमेंट है उसको जीरो पे ला रहे हैं यस यस सो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है दिस इज फॉर अ सिंगल पेमेंट एंड ऐसा एक नहीं बहुत सारा पेमेंट्स हो रहा है इसीलिए बोल के वी आर समिंग ओवर द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट्स हैपनिंग बिटवीन जीरो टू एन ठीक है ना हाँ नाउ द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू सॉल्व अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एनविटी पेड कंटिन्यूसली फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम एन सब कुछ सेम है ठीक है सब कुछ सेम है सो so, जीरो से एन एक्सपोनेंशियल टाइम टी पर जो पेमेंट होगा उसको एन पे लेके जाएंगे डेल्टा डी एस होल इन टू डी टी सो दिस इज जीरो से एन ई टू द पावर डेल्टा एन माइनस टी डी टी सो दिस इज ई टू द पावर डेल्टा एन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा जीरो टू एन ई टू the माइनस डेल्टा टी डी टी क्योंकि हम लोग डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सो so टी को छोड़ के बाकी सब वाला बाहर आ जाएगा ठीक है और अभी जस्ट हम लोग ये वाला सॉल्व किए राइट सो दिस इज ई टू दावर डेल्टा एन वन माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा सो दिस इज ई टू power डेल्टा एन माइनस वन बाय डेल्टा बिकॉज एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन सो दिस इज एस बार एन एस बार एन ई टू दावर डेल्टा एन को हम लोग ये भी बोल सकते दिस इज बेसिकली द अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर एनियस ई टू दावर डेल्टा एन इज वॉट द अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर एनियर्स अब तक तुम लोग का क्लास ट्वेल्व था अब तुम लोग धीरे धीरे करके अपना प्रोफेशनल करियर में जाएगा और अब तुम लोग देखेगा लोग कितने रूथलेस हो सकते हैं समाज कितना रूथलेस हो सकता है अभी तक तो चलो ठीक है पेरेंट्स तुम लोग को क्या बोले नहीं होगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है बट अब देखना एवरी वन विल डेवलप सम बेसिक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल राइट एंड ये कॉलेज का चार साल तुम लोग को जीवन भर याद रहेगा सो यूज़ योर टाइम इफेक्टिवली ठीक है पैसा चाहे पापा मम्मी के पास कितना ही हो अगर तुम लोग एक अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं बनाएगा लाइफ में तो फिर कुछ भी बोलो वो किक नहीं आएगा मतलब समझ रहे हैं वो थ्री इडियट्स में एकदम सही बोला है बैंक लोन नहीं देगा कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा लोग रेस्पेक्ट नहीं देंगे राइट सो दिस शुड बी देयर कि तुम लोग अपना टाइम किसके पीछे खर्चा कर रहे हो नाउ इट एकदम हार्श रियलिटी ये है कि सोशलाइजिंग बोल के हम लोग कुछ भी करने लग जाते हैं लाइक पी प्रेशर में सिगरेट पीने लग गया कॉलेज फर्स्ट ईयर में हुक्का पीने लग गया जो आज तक कभी ड्रिंक को टच नहीं किया ड्रिंक करने लग जाता है एंड उसमें भी कॉम्पिटिशन होता है कि हम लोग कितना पी सकते हैं हम दिन में इतना करते हैं वैसे वैसे जो नहीं करता है उसको वो लोग बोलेंगे ये तो बच्चा है हाँ है ठीक है ना ये सब पी प्रेशर में आके अगर जो लोग करता है छोड़ दो नहीं तो लेकिन सारा 2014 में मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया था ठीक है उसके पहले तक मेरे को पता ही नहीं था कि हुक्का क्या होता है ड्रिंक्स क्या होता है सिगरेट क्या होता है सब सब मेरे को कुछ नहीं पता था पीए प्रेशर में आके ये दस साल ये सब से लाइफ का टाइम इतना वेस्ट होता है ना और आई वॉज लकी कि मैं बहुत जल्दी बाहर आ गया लाइक इन अ स्पैन ऑफ मे बी फाइव मंथ सिक्स मंथ्स बट कुछ कुछ ऐसा था कि मैं जस्ट अभी छः महीना पहले छोड़ा हूँ बट बहुत लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं एंड अभी यही फेज है तुम लोग का फर्स्ट ईयर में तुम लोग जाएगा देखेगा जिसका 99 परसेंट आया है फर्स्ट ईयर में जाके ही नो जेवियर्स एंड टॉप कॉलेजेस आर नोन कि मार्क्स से नो no मार्क्स एक क्रीम कार्ड नहीं आता है वीको डरमा उसमें दिखाता है एक लड़की का फेस में बहुत दाना दाना रहता है फिर दूसरा में दिखाता है उसका वो क्रीम लगाने से चला गया वही कॉलेज के लिए भी बोला जाता है मार्क्स से नो मार्क्स ठीक है सो लर्न टू से नो नो इज़ अ वेरी शॉर्ट वर्ड एंड मेरे को यह सब नहीं आता था पता है दस साल लग गया ये वर्ड सीखने में नो no, कि भाई नहीं मैं नहीं जा सकता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं जाना है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पूरा घर में बैठा है एकदम बारह घंटा पढ़ रहा है वैसा भी नहीं है बट यू शुड हैव सम बाउंड्रीज यू शुड हैव दैट कि भाई कब जाना है और कब नहीं जाना है किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है ये सब अगर तुम लोग नहीं सीखा लाइफ में और ये सब ऐसा चीज है कि कोई भी किताब तुम लोग को नहीं सिखाएगा मेरे को दस साल लग गए ये सब बेसिक बेसिक चीज सीखने में कि कब ना बोलना चाहिए नहीं तो हमेशा तुम सीखाएगा बाकी लोग अपना टाइम को कितना वैल्यू करता है लेकिन तुम क्या कोई भी बोला चल चल ये सब होता है पता है तुम देखेगा कॉलेज खत्म हुआ दस बजे लेकिन तुम घर पहुंच रहे दो बजे कभी तीन बजे कभी बजे ठीक है ना तो so इसीलिए हम लोग अपना क्लास का टाइम साढ़े दस बजे रखे हैं ठीक है दिल्ली बॉम्बे बेंगलुरु में ट्रेंड हमने चेंज किया हम लोग जब आए थे उसके पहले ट्रेंड ये था कि कॉलेज तक बच्चा दो पेपर मे भी ढाई पेपर या फिर डेढ़ पेपर करता था एंड आज के दिन पे मेरा एक बॉम्बे में स्टूडेंट है पुष्य मिस्त्री बोल के ठीक है ही हैज क्रैक सी पी वन एज वेल इन इस कॉलेज टाइम ओनली एंड उसको देख के हजारों में बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं देखो हम लोग का इंस्टाग्राम में उसने कितना अच्छे से बोला है सारा चीज ये सी एम सी एस सी बी सी पी एकदम पूरा बढ़िया से अब वो जॉब में जाएगा उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेस ऑलरेडी इन पीडब्ल्यू सी यू के बट पॉइंट ये है कि तुम लोग को ना बोलना आना चाहिए अभी तुम लोग बहुत इनोसेंट हो कोई भी तुम लोग कुछ भी बोलेगा मम्मी पापा कोई काम के लिए बोलेंगे तब तो नहीं पढ़ना है वैसा नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं तो क्या होगा ना तुमको थोड़ा टाइम बाद जाके रियलाइज होगा कि तुमने क्या मिस्टेक किया अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे बहुत सारे लोग एक्चुअली से अपना करियर चालू किया ठीक है वो लोग बीच में बह गया एक साल में वो लोग जब तक मेरे पास में था तब तक दो तीन पेपर वो लोग क्लियर किया फिर कोई एक फ्लैशी कोर्स आ गया वो लोग क्या बोला नहीं अब हमको इसमें जाना है इसमें ऐसा है वैसा है एज अ काउंसलर लोग बहुत झूठ बोलते हैं आज के दिन पे एडमिशन के लिए ठीक है so, सो मान लो तीन पेपर क्लियर किया फिर वो चला गया कोई और कोर्स के फिर वहां पर एक डेढ़ साल अपना बर्बाद करके फिर वापस आया बोला तो नहीं सर आप समय सही बोले थे अब उसको रियलाइज हो रहा है कि उसका लाइफ का दो साल पूरा वेस्ट हो गया ठीक है जब तुमको देखेगा ना जब किसी को मदद का दरकार है तो करो बट नॉट एट योर ओन कॉस्ट ये बात हमेशा सर आप कैसा बात कर रहे हैं ऐसा ही है ठीक है सबके संग उनके मदद के टाइम पे खड़े रहो बट ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा सब कुछ चला जा रहा है वैसे मत करना एक बेसिक अपना एक डिसिप्लिन एक बेसिक अपना एक टाइमलाइन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है तुम देखेगा कि जो नहीं कर पा रहा है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और जो कर ले रहा है वो सब कुछ कर ले रहा है वो कैसे वो एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है कि नहीं भाई हाँ देख आज मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना फ्रेंड का मदद मत करो फ्रेंड मत बनाओ बट पहले ये तो देखो कि फ्रेंड तुमको क्या सिखा रहे राइट right? ये तुम लोग को देखना बहुत जरूरी है एसेंट यू विल गेट डाइवर्टेड इन योर फर्स्ट ईयर ओनली ठीक है ऐसा तुम लोग का फैंसी ग्रुप बन जाएगा चार साल कॉलेज के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता है इट्स अ हार्श फैक्ट अभी तुम लोग कॉलेज में जाएगा देखेगा पूरा कॉलेज तुम लोग का दोस्त बन गया है राइट इट्स गुड तुम आधा घंटा एक घंटा स्पेंड किया कभी कभी मान लो मेहना दो हफ्ता में एक बार बाहर चला गया इट्स फाइन बट कॉलेज लाइफ के नाम पे अपना लाइफ मत खराब करना ठीक है एक प्रोफेशनल डिग्री तुमको लाइफ टाइम भूखा नहीं सोने देगा ये बात याद रखना और यही अगर तुम ये चार साल बर्बाद कर दिया फिर उसके बाद तुम लाद जूता गाली सब खाएगा सबका ठीक है तो ये चार साल बहुत ज़रूरी है इसमें जो अपना करियर बना लिया मेरा फ्रेंड लोग बाहर जाता था बट हम पढ़ते थे ऐसा देखो मेरा एकदम एक्सट्रीम केस है मैंने सी एक्चुअली दोनों किया वो चीज छोड़ दो बट इस चीज को छोड़ के अगर कोई एक नॉर्मल प्रोफेशनल डिग्री भी तुम्हारे पास में है तो वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहता है द नॉलेज विच यू टेक लाइफ टाइम तुम तुमको वो आगे लेके जाता है यही अगर तुम ये साल पूरा मान ये चार साल पूरा वेस्ट कर देगा ना तो फिर तुमको बाद में जाके बहुत दुख होगा दस साल हो गया सोचो मेरे को चलो मेरे टाइम पे उतना डेवलप्ड मटेरियल्स नहीं था मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लग गया बनने में बट तुम लोग के पास में हर टाइप का रिसोर्स है तुम लोग चाहो तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो राइट सो मैंने ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि भाई ना बोलना है और टाइम पे उसको एकदम मैंने अमल करना उस चीज पे कि नहीं यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन एंड लोगों को ना बोलना अभी से धीरे धीरे करके चालू करो इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड नहीं तो क्या होगा तुम लोग उस दलदल में धसते जाएगा ठीक है माने लोग कुछ भी करके तुमको यूज करने लग जाएंगे अलग 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 तरीके से ठीक है ना यू शुड बी वेरी स्मार्ट एंड यू शुड लर्न टू से नो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता कभी भी अपना एथिक्स अपना इंडिपेंडेंस किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज मत करना आज हायर लेवल एग्जाम्स में हम लोग के पास में कॉल आता है आप बस मेरा क्योंकि अभी तो ओपन बुक हो गया है आप बस मेरा एग्जाम लिख दीजिए और आपको ब्लैंक चेक भेज रहे हैं सोचो उसका खाली एक पेपर बचा है सीएस टू सी एम टू सी पी वन हम लोग कभी नहीं करते हैं ठीक है हम लोग अपना एथिक्स कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज करते तभी हम लोग इंडिया में नंबर वन है ठीक है सो so, ये सब बेसिक बेसिक चीज तुम लोग को लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा जब कोई तुम लोग को नहीं देख रहा है तब तुम लोग क्या कर रहे है दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट ठीक है चलो कॉपी हो गया एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व करो ये दोनों तो ए बार सिक्स को ऐसे सॉल्व करेंगे वन माइनस ई टू दावर माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू सिक्स होल डिवाइड बाय जीरो पॉइंट जीरो एट वन माइनस वन पॉइंट वन टू दी पावर माइनस टेन बाय एलेन वन पॉइंट वन यही तो होता है ना e टू दी पावर डेल्टा इज वन प्लस आई सो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा इज वॉट एल एन वन प्लस आई सो दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए एस बार एट डेल्टा टू परसेंट दिया हुआ है, सो ई टू दावर zero point zero two into eight E to the part delta N मेमोराइज नहीं करना है प्रशिता वो हो जाएगा धीरे धीरे करके सम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा थैंक यू आजा चांद और ऊपर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पोस्ट करते रहना ठीक है ये वाला कितना आ रहा है बताइए पहला वाला हाँ फोर पॉइंट सेवन सिक्स फाइव टू जीरो ठीक है ये वाला सिक्स पॉइंट आगे ठीक है ये वाला एट पॉइंट सिक्स सेवन फाइव फाइव फोर वन बाय वन पॉइंट वन तो बात है वन पॉइंट वन टू दी पर माइनस टेन करिए फिर वन बाय वन पॉइंट वन करिए तो बात है ये तीनों हो गया हाँ ठीक है आगे बढ़े अगर मान लो अपने को देता एस ट्वेंटी एस बार ट्वेंटी आई दिया है वन परसेंट तो अपने कैसे करते वन पॉइंट जीरो वन टू क्या होता बताओ वन पॉइंट जीरो वन टू दावर ट्वेंटी माइनस वन बाय एलेन वन पॉइंट जीरो वन बोल भाई ठीक है कभी खो यही तो होगा ना दोनों तरीके से सिखा दिया ठीक है बोलो कितना आ रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट वन टू एट नाइन ट्वेंटी टू पॉइंट वन टू एट नाइन ठीक है ठीक है अब ये तो हो गया ठीक है अब जैसे अगर मान लो कि हर महीना पेमेंट हो रहा है ठीक है या फिर मान लो हर दो महीना में एक बार पेमेंट हो रहा है या फिर मान लो हर क्वार्टर में पेमेंट हो रहा है एंड हम लोग वर्क कर रहे हैं एनुअल में फॉर एग्जांपल मेरे को साल साल काम करना है और जिस टाइम पीरियड में मैं काम कर रहा हूं उस टाइम पीरियड में एक पेमेंट नहीं हो रहा है बट बहुत सारे पेमेंट्स हो रहे हैं आई रिपीट हम लोग को साल साल काम करना है एंड एक साल में एक पेमेंट नहीं हो रहा है मंथली पेमेंट हो रहा है सो so, इसको हम लोग बोलते हैं एंड बिटीज पेड पीएथली सो so, एनविटीज पेड पीएथली का मतलब क्या होता है एक टाइम पीरियड जिसमें काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एनुअल अब एनुअल में काम कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल पेमेंट हो रहे हैं। जैसे हम लोग अभी जो यहां पर एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम लोग करेंगे हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्वार्टर्स में कर रहे हैं ठीक है बट हम लोग वर्क कर रहे हैं एनुअल में तो इसलिए पीएथली मतलब जिस टाइम पीरियड में तुम काम कर रहे हो उस टाइम पीरियड में एक से ज्यादा पेमेंट्स हो रहे हैं ठीक है एकदम ध्यान देना जैसे मान लो हर साल में एक रुपए का पेमेंट हो रहा है तो हर क्वार्टर में कितना होगा वन बाय फोर ठीक है और एन ईयर्स के लिए पेमेंट हो रहा है तो मैं लिखना चालू करता हूं वन बाय फोर मैंने बोला जो एनुअल रेट ऑफ पेमेंट है वो है वन पर एनम तो हर क्वार्टर में कितना हो जाएगा वन बाय फोर डिस्काउंट भी कितना करेंगे वन बाय फोर ईयर्स क्योंकि हम लोग इयर्स में वर्क कर रहे हैं सो वन बाई फोर ईयर्स मतलब वी टू दावर वन बाई फोर बिकॉज हम लोग को जो रेट दिया वो क्या दिया हुआ per ठीक है प्लस वन बाय फोर वी टू दावर टू बाई फोर ये सेकेंड क्वार्टर के एंड का पेमेंट है तो इसको कितना क्वार्टर टानेंगे दो क्वार्टर दो क्वार्टर मतलब आधा साल इसीलिए टू बाय फोर पेमेंट का अमाउंट कितना रहेगा वन बाय फोर अगेन प्लस वन बाय फोर वी टू दावर थ्री बाई फोर इसका मतलब क्या है बताइए पेमेंट हो रहा है वन बाय फोर का और डिस्काउंट कर रहे हैं थ्री क्वार्टर्स, ठीक है सो वी टू दावर थ्री बाय फोर फिर प्लस वन बाय फोर का अमाउंट एन वी टू दावर फोर बाई फोर मतलब एक साल तो एक साल में चार पेमेंट हो रहा है एन ईयर हम लोग पेमेंट करेंगे तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेमेंट जो होगा वो कितना होगा वन बाय फोर वी टू दावर वन प्लस वन बाय फोर फिर प्लस वन बाय फोर वी टू दावर वन प्लस टू बाई फोर प्लस डॉट 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 प्लस वन बाय फोर वी टू दी पावर एट बाय फोर मतलब दो साल दो साल पुल बैक कर रहे हैं राइट right? अगर एक क्वार्टर पुल बैक करना होगा तो हम लोग वी क्या है वी है एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर वी टू दी पावर जीरो पॉइंट फाइव करेंगे तो क्या आएगा आधा साल जीरो पॉइंट टू फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा एक क्वार्टर का डिस्काउंटिंग फैक्टर ठीक है अब ये ऐसे भी जाएगा यहां पर लास्ट क्या आ जाएगा वन बाय फोर वी टू दी पावर फोर एन बाय फोर फोर एन नंबर ऑफ पेमेंट है क्योंकि हर साल में कितना पेमेंट होगा चार एंड टोटल नंबर ऑफ इयर्स कितना है एन सो फोर एन नंबर ऑफ पेमेंट्स डिवाइड बाय फोर ठीक है ना इसको पूरा को पहले कॉपी कर लीजिए अब इन सबका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है नहीं नहीं वो इसीलिए तो आई इन्फिनिटी है वो आई तो वो तो फॉर्मूला से आता है ना तभी तो हम लोग लिमिटिंग फॉर्मूला यूज किए थे हम लोग वो जो लिमिटिंग फॉर्मूला यूज किए थे तभी वहीं से आ रहा है प्रशिता इसीलिए तो वो लिमिटिंग फॉर्मूला से आ रहा है हुआ ये वाला हाँ अब एक चीज देखना मेरा इसमें फर्स्ट टर्म क्या है वन बाई फोर वी टू तो दावर मेरा इसमें कॉमन रेशियो क्या है वी टू तो दावर एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इज वॉट फोर एन ठीक है राइट तो इसको फॉर्मूला में डालो ए वन माइनस आर टू दी पावर एन बाय वन माइनस आर क्लियर है सबको एक चीज ध्यान देना ये देखो वन माइनस डी फोर बाय फोर यह क्या है बताओ तो यह क्या है ये एक क्वार्टर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है टू दी पावर अगर हम लोग फोर कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक साल का एंड यही तो वी होता है अब ये फोर को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा वी टू दी पावर वन बाई फोर और यहां पर क्या आ रहा है एक क्वार्टर का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो वही तो मैंने आपको बोला वही तो मैंने आपको बोला कि एक क्वार्टर का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वॉट वी टू दी पावर वन बाई फोर विच इज वॉट वन माइनस डी फोर बाय फोर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है ना देख लो अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको मैं यहां ले आऊंगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ठीक है सो तो क्या आएगा ध्यान देना मैं यहां पर पहले एक बार कर लेता हूं सो वन 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 माइनस वी टू दावर वन बाय फोर बाय वन बाय फोर वी टू दावर वन बाय फोर दिस इज वॉट फोर राइट वन बाय वी टू दी पार वन बाय फोर विच इज वॉट डिस्काउंटिंग मैंने वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर अ क्वार्टर वन बाय ये वन बाय फोर तो यहां पर आ जाएगा ठीक है क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जैसे देखो ये वाला का अब देखो ये खाली हम लोग नीचे वाले पार्ट का कर रहे हैं यह खाली नीचे वाले पार्ट का हम लोग कर रहे हैं So ये जो क्या है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मतलब ये अल्टीमेटली यहां आ जाएगा ठीक है तो ये फोर लिख दिया अब वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर अ क्वार्टर इज वॉट अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर अ क्वार्टर और ये बाय करने से क्या आ जाएगा वन माइनस वन आ जाएगा और ये अल्टीमेटली है क्या ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम लोग को मान लो आई दिया हुआ आई फोर निकालना है तो हम लोग इक्वेशन क्या बनाते हैं वन प्लस आई इज वॉट वन प्लस आई फोर बाई फोर होल टू दावर अब i दिया आई फोर निकालने तो क्या करेंगे वन प्लस आई टू दी पावर वन बाई फोर माइनस वन होल इन टू फोर मैच करो ठीक है सो so ये क्या आ रहा है मेरा अल्टीमेटली आई फोर अब यहां पर क्या आएगा बताइए वन माइनस वी टू दी पावर एन बाय आई फोर क्लियर है सबको हाँ? और इसका नोटेशन क्या है ध्यान देना इसका नोटेशन क्या है नॉर्मल ए एन ए बिकॉज आरियर में पेमेंट हो रहा था बट एक साल में कितना बार पेमेंट हो रहा है एक साल में कितना बार पेमेंट हो रहा है इसीलिए ऊपर में फोर आता है कॉपी करिए इसको सर कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट हाँ हमने क्या किया जीपी का फॉर्म लगाया सो so, ए वन माइनस आर टू दावर एन बाय वन माइनस आर सो बेसिकली जो एक्स्ट्रा न्यूमिनेटर का जो पार्ट है उसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गया एंड देन आईव सॉल्व इट प्रशिता वो जो मैंने जो वन प्लस एक्स बाय होल टू दमुला से कराया था वहीं से आ रहा है वो सो वन प्लस आई इज ई टू दावर डेल्टा ओके एंड डेल्टा इज बेसिकली कंटिन्यूस कंपाउंडिंग

वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग आ रहा है और उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं बोलो बोलो हां कि ना ठीक है हाँ अब जैसे देखो अब यहां से मेरा कॉमन फॉर्मूला क्या निकल के आएगा ए एन पी सो दिस इज वन माइनस वी टू द पावर एन बाय आई पी यही अगर होता ए डू एन पी तो नीचे में क्या आ जाता बताइए वेरी गुड अब एक दो पहले सॉल्विंग करो ए फाइव ट्वेल्व एट द रेट फाइव परसेंट तो इसको हम लोग कैसे कर सकते दिस इज वन माइनस वन पॉइंट जीरो फाइव टू दी पावर माइनस फाइव बाय आई ट्वेल्व अब आई दिया हुआ आई ट्वेल्व निकालना है तो हम लोग करेंगे वन पॉइंट जीरो फाइव टू दी पावर वन बाय ट्वेल्व माइनस वन होल इंटू ट्वेल्व विच इज आई ट्वेल्व इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए हम्म प्रीवियस स्लाइड में दिखा रहा हूं एक मिनट ये रहा प्रीवियस स्लाइड कितना आ रहा है इसका आंसर फोर पॉइंट दे आ रहा है क्या फोर पॉइंट फोर टू सेवन सेवन एट बोलो हां कि ना चेक करके बताइए बताइए पहले वाले का कितना आंसर आ रहा है फोर पॉइंट फोर टू आ रहा है अब दूसरा वाला देखो दिस इज वन माइनस वन पॉइंट जीरो फोर टू दावर माइनस टेन होल डिवाइड बाय आई टू आई दिया हुआ आई टू निकालना है सो वन पॉइंट जीरो फोर टू दावर हाफ माइनस वन होल इंटू टू इज आई टू तो कितना आ रहा है बताइए इसका आंसर

एट यू एट फोर एट द रेट थ्री परसेंट सो दिस इज वन माइनस वन पॉइंट जीरो थ्री टू दावर माइनस एट होल डिवाइड बाई नीचे में क्या आएगा डी फोर आई दिया हुआ डी फोर निकालना है आई दिया हुआ डी फोर निकालना है करके इसका आंसर निकालिए बताइए कितना आ रहा है आई दिया हुआ है डी फोर निकालना है करके इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कितना कितना आ रहा है लास्ट वाले पार्ट का कितना रहा है बताइए कितना आ रहा है बोलिए हाँ सेवन पॉइंट वन फाइव जीरो सेवन ये सब कहा है क्या नहीं सब कार है चेक करो सब लोग पहले कि सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है फाइव मिनट्स का ब्रेक है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है